गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फुल कोर्सेस बाय विजय सर। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे ग्रामर का एक सीक्वेंस, ग्रामर के एक सीरीज लेकर के आए बेसिकली, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेसिक ग्रामर टू एडवांस ग्रामर। चूँकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था बच्चों कि सर ग्रामर का एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा सीरीज तैयार कीजिए जहाँ पर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल की बातें हो। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं ले करके आया हूँ एक ऐसा सीरीज जहाँ पर मैं और आप दोनों मिल करके बातें करेंगे बेसिक से एडवांस की ओर, राइट। और मैं आपको बता दूँ कि वो सारे बच्चे देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC का हो, किसी चीज़ का भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर का बेसिक से एडवांस का एक सीरीज, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये एक वीडियो नहीं होगा, ये मल्टीपल वीडियो होगा, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच हो सकता है। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप प्लेलिस्ट में विजिट करके आप वन बाय वन लेक्चर को आप देख सकते हो और आप समझ सकते हो। और अगर आप एक भी लेक्चर मिस नहीं करते हो तो ये मेरा गारंटी है कि आपको जीरो से हीरो तक पहुंचने में कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं? जैसे कि आप लोग को पता होगा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंग्लिश पढ़ेंगे, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लिश क्या है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये तो एक सब्जेक्ट है। यार देखो, इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश को सब्जेक्ट बना दिया गया है। लिटरेचर, जिसको आप लिटरेचर बोलते हो, ये एक सब्जेक्ट हो सकता है। इंग्लिश एक लिटरेचर है, राइट। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं, सब लिटरेचर आपका सब्जेक्ट हो सकता है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है बच्चों, क्या है? लैंग्वेज है। तो अब से अगर कोई आपसे पूछे कि इंग्लिश क्या है तो आप सब्जेक्ट बिल्कुल भी ना बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। क्या बोलेंगे बच्चों? लैंग्वेज। ओके, यानी कि हमको ये बात समझ में आया, क्या समझ में आया? कि इंग्लिश सर वो सब्जेक्ट नहीं है, वो क्या है? लैंग्वेज है सर। सबसे पहले दिमाग से यही निकालना है ना, लैंग्वेज है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि सर ये लैंग्वेज है क्या? इसका मतलब समझ में आ रहा है? अभी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एक लैंग्वेज सीखने वाले हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, इस लैंग्वेज का भी दो कॉन्सेप्ट, दो एस्पेक्ट बढ़ जाता है। पहला एक होता है डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होता है स्पोकन। स्पोकन का एक अलग से सीक्वेंस बना दिया जाएगा। अभी जो बात करेंगे वो बात होगा डिस्क्रिप्टिव पर। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि कैसे ग्रामर यानी कि लैंग्वेज का फॉर्मेशन कैसे हुआ, लैंग्वेज को बनाने के लिए किन किन रूल्स का यूज़ किया गया, वो सारे चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, जो एक कॉम्पिटिटिव लेवल में है ना पूछा जाता है, राइट। और स्कूल के बच्चे भी देख सकते हैं, चाहे वो 9 का हो, 10 का हो, इनफैक्ट 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेज अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लैंग्वेज है क्या, चलिए बताइए ये लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं बच्चों भाषा। भाषा क्या है? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अगर ये वीडियो, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट होता है कि सर हम लोग वीडियो फास्ट करके देखते हैं, और आप तेज़ खुद ऑलरेडी बोलते हो, फास्ट करते हैं तो इतना ज़्यादा फास्ट हो जाता है कि चीज़ें समझ में नहीं आता है। तो बच्चे, उन लोगों के लिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छे से समझना है, टाइम का कमी है, तो 1.5x में आप वीडियो को देख सकते हो, आपको चीज़ें इजीली समझ में आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा, राइट। बच्चों थोड़ा मैनेज करना, गला खराब है। चलिए, लैंग्वेज क्या होता है आप बताइए, लैंग्वेज क्या होता है, भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है? एक बच्चा कह रहा है कि सर लैंग्वेज एक माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हाँ बच्चों, वेरी गुड। देखो लैंग्वेज क्या है बच्चों? एक माध्यम है, एक मीडियम है, जिसके वजह से, जिससे उस
एक मीडियम है, और उसी मीडियम के वजह से हम मेरे अंदर जो भी इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो थॉट्स हैं, वो किसी दूसरे तक एक्सप्रेस कर पाते हैं, राइट। अब जैसे एग्जांपल यार, जैसे मान लिया जाए अब हमको जो है ठंडा लग रहा है, हमको गर्म पानी चाहिए, तो बिना लैंग्वेज का हम आपको कैसे बताएंगे कि हमको गर्म पानी चाहिए? बात समझ में आ रहा है? तो लैंग्वेज क्या एक माध्यम है। जैसे साउंड क्या होता है, बेसिकली साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, बोला है ना, तभी तो यहाँ से वहाँ जाएगा। उसी प्रकार से लैंग्वेज मेरे अंदर है, मेरा जो फीलिंग्स है उसको आप तक पहुँचाने के लिए एक तो मीडियम चाहिए ना, और ये मीडियम क्या है बच्चों? लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश का। तो लैंग्वेज क्या है बच्चों, है ना, लैंग्वेज इज अ मीडियम, इट इज अ मीडियम, एक माध्यम है थ्रू विच, जिससे वन, है ना, एक्सप्रेसेस वंस थॉट, राइट। सुनिए बच्चों, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है, माध्यम है, जिसके वजह से, जिसके जिसके जरिए से कोई भी बंदा, वन वन मतलब एवरीवन, कोई भी बंदा एक्सप्रेस कर सकता है अपना अपना थॉट्स को, अपना फीलिंग को, अपना इमोशन को, अपना आइडिया को, जो वो सोच रहा है, जो वो कहना चाहता है, वो अपने विचारों को दूसरे तक क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है। इसी, है ना, मीडियम को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा पा रहा हूँ, अब ये समझा पा रहा हूँ ये पॉसिबल कैसा है कि मतलब कैसे हुआ? लैंग्वेज की वजह से। बिना लैंग्वेज का क्या मैं आपको कुछ समझा पाता? नहीं ना। तो लैंग्वेज क्या है? मीडियम है जिसके वजह से हर एक बंदा अपने विचारों को, अपने फीलिंग को, अपना आइडिया को, अपना थॉट को क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है, राइट बच्चों? ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एक्सप्रेस कर रहा है वो किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ आपको एक्सप्रेस करना है, अपना फीलिंग को बताना है, तो कैसे बताएंगे? लिख के, बोल के या किससे? तो एक्सप्रेस करने के लिए चार एस्पेक्ट होता है बच्चों, चार ऐसा एस्पेक्ट होता है जिससे किसी भी लैंग्वेज को आप किसी दूसरे तक पहुंचा सकते हो, सॉरी अपने भाषा को पहुंच, अपने लैंग्वेज विचारों को लैंग्वेज के मदद से पहुंचा सकते हो, या आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको आप शेयर कर सकते हो। अरे बोलो हाँ, है ना। तो उस इमोशन को, उस थॉट को, उस फीलिंग को शेयर करने के लिए, है ना, आपको चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है बच्चों। कितने चीज़ों का? चार चीज़ों का। पहला आप लोग सुने होंगे लिसनिंग, अरे बोलो हाँ, है ना, लिसनिंग। दूसरा क्या हुआ? स्पीकिंग, अरे यार बोलो, अरे लिसनिंग कैसे? सुनो यार, मैं कुछ बोल रहा हूँ आप सुनोगे ही नहीं, है ना, तो आप मेरे बातों को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, तो लिसनिंग भी इम्पोर्टेंट है। आप समझ पाओगे तो मैं बोलूँगा तभी तो समझ पाओगे, स्पीकिंग भी इम्पोर्टेंट है। कोई बंदा क्या करता है यार, है ना, रीड करके भी समझ जाता है। अब रीड किया है तो कोई ना कोई लिखा होगा, इसका मतलब राइटिंग भी इम्पोर्टेंट है, अरे बोलो हाँ, है ना। यानी कि चार एस्पेक्ट से आप किसी भी इंसान को, अपने फीलिंग्स को या फिर बता सकते हो या उसका फीलिंग्स को आप समझ सकते हो, राइट। जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? LSRW, राइट, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, बोलो हाँ, है ना, ओके। तो हमें ये समझ में आया कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए हमें चार स्किल्स की ज़रूरत होता है, चारों में से एक भी ख़त्म तो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना थोड़ा टफ हो जाता है। जैसे मान लिया जाए लिसनिंग और स्पीकिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंग्वेज बोल करके ही क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म होता है बच्चों जहाँ पर पढ़ करके और लिख करके भी अपना लैंग्वेज को समझ, सॉरी अपने फीलिंग्स को समझाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एग्जामिनेशन पेपर में जब क्वेश्चंस आता है तो आप वहाँ पर बोल करके नहीं कर सकते, आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। ऑलरेडी क्वेश्चंस आता है तो वो रिटर्न फॉर्म है, आपको लिखना होता है, अरे बोलो हाँ, है ना। अब जो एग्जामिनर जो चेक करेगा वो तो पढ़ के ही तो करेगा,
पसमा है, यानी कि हर एक एस्पेक्ट क्या है, किसी भी है ना फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, किसी दूसरे को समझाने के लिए क्या बच्चों ये चार एस्पेक्ट जरूरत है, राइट। इसको स्किल भी बोलते हैं। बोले यार ये चार स्किल है, कौशल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। बोले यहां तक किसी को दिक्कत है, डाउट है तो बोलो। एक बच्चा कह रहा है कि सर LSRW शॉर्टकट लिसनिंग। हाँ बच्चा, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कमेंट करके जल्दी से बताओ, है ना। लैंग्वेज का डिफिनेशन क्लियर हुआ, यस या नो? लैंग्वेज एक माध्यम है बच्चों, उस माध्यम के वजह से अपने विचार को मैं क्या कर सकता हूँ, आप तक पहुँचा सकता हूँ, राइट। आप तक क्या कर सकता हूँ, पहुँचा सकता हूँ, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लैंग्वेज। और एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, वो चार तरीका हो सकता है। आप सुनोगे, सुनकर भी आप समझ सकते हो तो रिप्लाई करोगे बोल करके, या फिर आप रीडिंग करके भी क्या कर सकते हो, समझ सकते हो, या फिर लिख करके भी किसी को समझा सकते हो। ये चार एस्पेक्ट हो गया। आगे बढ़े। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया, राइट। ओके, अब यहां से सवाल ये उठता है कि सर ग्रामर स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ? बच्चों ग्रामर स्टार्ट हो गया है ना, ग्रामर स्टार्ट हो गया, मिटाओ इसको। ओके, प्लीज नोट करते जाना, है ना, जो भी है आप समझते जाओ, नोट करते जाओ, या इस वीडियो को पूरा देख लेना, राइट। रिकॉर्डेड भी है, इसमें रहेगा, प्लेलिस्ट में रहेगा, और इसको आप क्या कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो। तो लैंग्वेज समझ में आ गया बच्चों? ओके फाइन, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों अब ध्यान से समझो, ये जो लैंग्वेज है यार, जब स्टार्ट हुआ लैंग्वेज, सोचो जब ये लैंग्वेज स्टार्ट हुआ होगा तो आपको क्या लगता है? अभी अल्फा, आप अल्फाबेट पढ़ते हो ना, जिसके अंदर ए बी सी डी बहुत सारे लेटर्स होते हैं, तो आपको क्या लगता है, जब स्टार्टिंग में जब ह्यूमन बीइंग का आगमन हुआ, जब पहली बार लैंग्वेज को बोला गया, तो आपको क्या लगता है कि लैंग्वेज इतना आसान है, तुरंत आकर के किताब लिख दिया ए बी सी डी? नहीं बच्चों, स्टार्टिंग में जो है ना, ये लैंग्वेज को एक्सप्रेस करने के लिए, सॉरी मतलब अपना थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसको कुछ ना कुछ मीडियम चाहिए था, और उसी मीडियम का नाम क्या दे दिया, लैंग्वेज। लेकिन बच्चों इस लैंग्वेज आने से पहले उन लोग साउंड आया, क्या है बच्चों, साउंड। क्योंकि बिना साउंड का आप, जैसे मान लिया जाए यार ये पेन है, क्या है, पेन। अब ये पेन को आप तो पता है ना PEN होता है, पहले तो नहीं पता था PEN होता है, मान लिया जाए इसका नाम रख दिया पेन। लेकिन बच्चों ये तो साउंड है ना, जो मैं बोल पा रहा हूँ आप तो सुन रहे हो, ये तो साउंड है, ये लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में पेन जब बोल रहे तो PEN छप रहा होगा। तो बच्चों सबसे पहली बात कि लैंग्वेज जो बना वो लैंग्वेज यूं ही नहीं बन गया, सबसे पहले साउंड का निर्माण हुआ, सबसे पहले साउंड आया। किसी भी चीज़ को बताने के लिए हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर को मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्कर है, तो आप तक क्या पहुँच रहा है बच्चों, साउंड, तो ये साउंड हो गया। आपको पता है कि ये साउंड जो है वो वाइब्रेशन से होता है ना, वाइब्रेशन से उत्पन्न होता है क्या, साउंड। अरे बोलो हाँ या ना? अब बच्चों प्यारे प्यारे ये जो साउंड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिखा, ये क्या है बच्चों, पढ़ के बताना जरा। आप बोलेंगे सर ए है, कोई बोलेगा सर आ है, राइट। तो आ ए ये क्या है, साउंड ही तो है, अरे बोलो हाँ या ना? तो इसी साउंड को समझने के लिए कुछ साउंड का सिंबल दे दिया गया, क्या दिया गया बच्चों, SYMBOLS सिंबल्स दिया गया। बच्चों फिर से सुनना यार, जो लैंग्वेज है ना, हमको पता है यार लैंग्वेज क्या है, साउंड ही तो है, जो मैं बोल रहा हूँ वही तो लैंग्वेज है। तो ये साउंड को समझने के लिए कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए क्या कर दिया गया बच्चों, कुछ साउंड का सिंबल दिया गया है ना। और ये सिंबल टोटल कितने होते हैं बच्चों, ये सिंबल टोटल होते हैं 26। कितने होते हैं बच्चों, 26।
26 सिंबल्स होते हैं और यही 26 को नाम दिया गया बच्चों लेटर्स। क्या नाम दिया गया है? लेटर्स। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? देखो यार एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको कहां तक पहुंचा देंगे? हीरो। जीरो आप अभी हो ना, ग्रामर में आप हीरो बन जाओगे। स्पोकन का भी एक सीरीज आएगा, वो स्टार्ट जल्दी करेंगे, राइट? उस पर काम चल रहा है बच्चों, तो आप निश्चिंत रहें। लैंग्वेज साउंड, अब ये वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। साउंड को पहचानने के लिए कुछ नियम दे, मतलब कुछ सिंबल दे दिए, और इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? लेटर्स। और 2600 लेटर्स को, बच्चों आप बताओ कि लेटर्स कितने होते हैं यार? लेटर्स कितने होते हैं? 26। देखो ए बी सी डी ई एफ, है ना? बोलो, ऐसे बहुत सारे होता है। तो 2600 लेटर ऐसे अगर हम मिला दें पूरा जेड तक, राइट, तो ये पूरा 26 लेटर्स जो मिला, एक बना पूरा ग्रुप, इसी ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? अल्फाबेट। अल्फाबेट। चलिए आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते बच्चों, आप कमेंट करके अभी बताइएगा, इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट की संख्या कितना होता है? इंग्लिश ग्रामर में अल्फाबेट की संख्या कितना होता है? जल्दी से कमेंट करो। हाँ बच्चों, इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या कितना, कितने अल्फाबेट होते हैं? राइट, है ना? बहुत सारे बच्चों का 26 आंसर आ रहा है। देखो बच्चों, अल्फाबेट एक ही होता है, अल्फाबेट एक ही होता है, इस अल्फाबेट के अंदर जो लेटर्स हैं वो 26 होते हैं। 26 के लेटर को मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो वो 2600 लेटर का कंबिनेशन को बोलते हैं अल्फाबेट। अरे यार, अल्फाबेट मतलब वर्णमाला, ये हो गया माला। ये माला कब बनेगा बच्चों? जब यहाँ ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, पूरा क्या आएगा बच्चों? कहाँ तक? जेड तक। पूरा जेड तक अगर हम लोग ए बी सी डी इसी माला में गूंथ दिए तो ये पूरा क्या कहलाएगा बच्चों? अल्फाबेट। और इसके अंदर एक यूनिट की अगर हम बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? लेटर। क्या बोलेंगे बच्चों? लेटर। तो अल्फाबेट में कितने लेटर? 26। लेकिन अल्फाबेट 26 नहीं होता है। ये बात समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बताया कि सिंबल 26 होते हैं, 26 में जैसे ए, अब ए बी सी डी ये सब क्या है बच्चों? ए साउंड है। छोड़ो यार ए, अगर हम बोले ए क्या है? साउंड है। लेकिन अभी तो पता चल रहा है ना कि साउंड ऐसे लेटर बनता है, उस साउंड को हम सिंबल दे दिए कि जब भी बोलेंगे ए तो इस तरीके के दिमाग में चलना चाहिए, जब भी बोलेंगे ब बी तो ऐसे आना चाहिए। बात समझ आ रहा है? तो साउंड को प्रॉपर एक शेप दे दिया गया, जिसको सिंबल या फिर आप लेटर्स के नाम से जानते हो। 2600 लेटर्स को मिलाएंगे क्या बनेगा बच्चों? एक अल्फाबेट बनेगा। हर एक इंग्लिश ग्रामर हो या हिंदी ग्रामर हो या कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज का एक ही अल्फाबेट होता है। उसके अंदर डिफरेंट, है ना, लेटर्स हो सकते हैं, अक्षर हो सकते हैं। बोला है ना? ओके, इंग्लिश में कितना होता है? 26। अब इन 2600 में से बच्चों, ये 2600 में से यानी कि अल्फाबेट अगर हम देखें ध्यान से, तो इस 2600 लेटर में से, मैं यहाँ पर बता दूँ, 26 लेटर में से भी दो, है ना, पार्ट किया गया है। चलो काम करते, इधर लिखता हूँ। इस लेटर को दो भाग में बांट दिया गया, एक वोवेल, क्या बच्चों? वोवेल्स। एक होता है कॉन्सोनेंट, अरे बोलो हाँ ना, एक होता है वोवेल, एक क्या होता है? कॉन्सोनेंट। मेरे प्यारे बच्चों चलिए बताइए वोवेल्स की संख्या कितने होते हैं? वेरी गुड, ये तो बच्चा वाला सब जानता है यार, बच्चा बच्चा जानता है। ए ई आई ओ यू, ये हो गया हमारा वोवेल, राइट? ओके, ये 5 हो गया। अब बाकी क्या बचा बच्चों? बच गया बी सी डी एफ, इस तरह से कहां तक? जेड तक। टोटल कितने संख्या हो गया बच्चों? 21। बोले यहां तक किसी को डाउट है? कोई डाउट नहीं। लेकिन बच्चों मैं आपके सामने, है ना, मैं आपको बता दूं कि इस ए का, ये ए है ना, कहीं कहीं इसको ए पढ़ा जाता है बच्चों, है ना, कभी कभी ये वाला जो है ना ए, ई भी पढ़ा जाता है, कभी कभी ये वाला आ पढ़ा जाता है बच्चों, कभी कभी ये आयकार पढ़ा जाता है,
यानी कि एक वोवेल का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साउंड, मल्टीपल साउंड हो सकता है। इसीलिए बच्चों ये वोवेल्स तो होते हैं पांच, लेकिन इसका अगर हम साउंड बात करें, वोवेल साउंड की बात करें बच्चों, वोवेल साउंड की बात करें तो टोटल जो वोवेल साउंड होता है बच्चों वो कितना होता है 20। और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है बच्चों वो कितना होता है बच्चों, अरे बोलो 24। कितना होता है 24। तो इंग्लिश ग्रामर में टोटल साउंड कितना हो गया यार, जल्दी से कमेंट करके बताओ, 44। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये सीखने वाला चीज़ था कि वोवेल्स होते पांच हैं, लेकिन ये साउंड पांच मिल करके 20 साउंड प्रोड्यूस करता है। और ये बकलोलो अकेले एकिस्ट है, लेकिन वो कितना साउंड प्रोड्यूस करता है, 24। यहां तक किसी को डाउट है? बताइए फटाफट। देखो यार, ग्रामर का मतलब ये नहीं होता लाइन बाय लाइन लिखवाना। कोई बोल रहा है सर डिफिनेशन पूरे लाइन बाय लाइन लिखवाइए, हद है यार। बताओ 11-12 तुम 11-12 में पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में पढ़ते होगे, और बोलता है डिफिनेशन लिखाओ। डिफिनेशन कहीं एग्जाम में नहीं आता है, वो 3-4-5 में आता है बच्चों। आप कॉन्सेप्ट समझ में आया ये कि नहीं, सो बताओ। हाँ गुड है ना, यस वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब इसको अगर हम इरेज करते हैं थोड़ा सा और हम कहानी को आगे की ओर लेके चलते हैं। अरे बोलो हाँ है ना, समझ में आया कि ना आया? बच्चों नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो लैंग्वेज के बारे में ये हो गया। मैं एक बार रिकैप कर दूं, लैंग्वेज साउंड है, साउंड को समझने के लिए है ना सिंबल दिया गया, और इन्हीं सिंबल को लेटर बोल देते हैं, और 26 होते हैं इंग्लिश में, और सभी को मिला देंगे क्या बन जाएगा बच्चों, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कुछ और नहीं बल्कि 26 का कंबाइन एक जगह कर देंगे तो अल्फ़ाबेट होगा, ग्रुप, राइट। ओके, अब ये लेटर जो वो दो तरह का हो सकता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट। एक होता है सेमी वोवेल है ना, एक बच्चा कमेंट कर रहा है सर सेमी वोवेल नहीं बताए। बच्चों सेमी वोवेल एक्स और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है, राइट, लिख लो सेमी वोवेल है ना। इसको क्या, एक्स और वाई को क्या बोला जाता है, सेमी वोवेल। इसका कोई ज़्यादा काम फंक्शन नहीं है, है ना, बताएंगे आगे, राइट। ओके, तो बच्चों लेटर समझ में आ गया, इसको इरेज करो। देखो एक बच्चा कह रहा है सर डिजिटल बोर्ड कब लगवा रहे हैं, बहुत जल्द लगाएंगे बच्चों, टेंशन नॉट, डोंट वरी, बहुत जल्दी आ जाएगा ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान समझो, लेटर समझ में आ गया। अब ध्यान से अगर हम आगे की ओर हम लोग डिस्कस करें तो बच्चों लेटर, लेटर क्या है, अभी मैंने डिस्कस किया, लेटर अल्फाबेट का एक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, राइट। लेटर बच्चों, लेटर जो है बहुत सारे लेटर से मिल करके क्या बनाते हैं बच्चों, वर्ड। क्या बनाते हैं, अरे बोलो वर्ड। बहुत सारे लेटर को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, वर्ड। चलिए बताइए वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा। वर्ड का डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, आराम से पढ़ेंगे है ना, कॉपी किताब निकाल के बैठिए, पेज पेपर जो भी है सब लेकर के बैठिए, और पानी उनी लेके बैठिए है ना, और पानी से याद आया थोड़ा पानी पी लेते बच्चों है ना। तब तक वर्ड का आप कॉमेंट करके बताइए कि वर्ड का डिफिनेशन क्या हो सकता है। चलो बताओ, वर्ड, ओके लेट मी टीच यू, हम ही बता देते हैं वर्ड क्या है बच्चों। वर्ड है इट इज अ मीनिंगफुल, मीनिंगफुल यूनिट। अरे है ना, इट इज अ मीनिंगफुल यूनिट, ये क्या है, एक मीनिंगफुल यूनिट है या ग्रुप ऑफ है ना लेटर्स का बोल सकते हैं जो है, क्या कर सकता है मीनिंग है ना। अगर मैं बात करूं, इट इज अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स है ना, ऑफ लेटर्स, राइट। बहुत सारे लेटर्स का एक समूह ग्रुप बना देंगे, बहुत सारे लेटर को मिला देंगे, अगर उस मिलाने के बाद
मीनिंगफुल, उसका वो कुछ मीनिंग हो, कुछ सार्थक मीनिंग हो, तब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, शब्द। बोला है ना। यानी कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों अगर बहुत सारे लेटर्स को एक जगह कंबाइन कर दें, देखो बोल रहा है सर ये सब आ रहा है आगे बढ़ाइए, अरे यार आपको आ रहा है हम समझ सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे देख रहे होंगे जिसको ये भी नहीं आ रहा होगा, तो आप पेशेंस रख के देखो ना। अब जब इसका नाम ही रख दिए बेसिक टू एडवांस, तो फिर यार ऐसा कमेंट करना है ना नॉनसेंस वाली बात हो गया। वर्ड क्या है, एक मीनिंगफुल यूनिट है लेटर्स का। बहुत सारे लेटर्स आपस में जब मिल जाते हैं और उससे एक नया मीनिंग तैयार होता है बच्चों, तो उस यूनिट को हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्ड। इसी यूनिट को क्या बोल देते हैं बच्चों, वर्ड बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल यार, जैसे मैं अगर मैं बात करूं गुड, जी एक लेटर है, ओ एक लेटर है, ओ लेटर है, डी एक लेटर है, इन तीन चारों लेटर को एक जगह कंबाइन कर दिए बच्चों, तो इसका एक मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, गुड मतलब अच्छा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बोल दें है ना, डी ओ डी है ना जी ऐसे, तो क्या इसका कोई सेंस बना बच्चों, नहीं। इसका मीनिंग है, इसका कोई सेंस नहीं है, तो ये यूनिट कहलाया। अरे बोलो हाँ है ना। जैसे मान लो यहाँ पर लिखे राम, आर ए एम, हाँ सर किसी का नाम है, वेरी गुड, ये एक यूनिट कहलाया। अरे बोलो हाँ है ना। ओके, अगर हम यहाँ पर बोल दिए ही, एच ई ही, यहाँ पर देखो एच और ई दोनों वर्ड से मिलकर के बनाए, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये भी क्या हो गया, एक मीनिंग तैयार हो रहा है ना, ही मतलब हुआ लड़का के लिए यूज करते हैं, तो ये भी एक यूनिट हो गया जिसका मीनिंग है। ओके, जैसे मान लिया जाए बच्चों अगर हम बात करते हैं गो का, क्या लिखे गो, सॉरी, तो गो में जी भी लेटर है, ये भी लेटर है, दोनों को कंबाइन किया क्या बना, गो। गो मतलब जाना, यस मीनिंग है, लेकिन ओ जी लिखेंगे तो कोई मीनिंग है क्या बच्चों, नहीं है। बात समझ में आ रहा है, ये हो गया। अच्छा ओके, और क्या हो सकता है, जैसे मान लो फास्ट, एफ ए एस टी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, इसका भी क्या है, एक अपना मीनिंग है बच्चों। अरे बोलो हाँ या ना। ओके, अब यहाँ पर इसके अलावे क्या हो सकता है, जैसे अगर हम बात करें बच्चों टू, टी ओ टू, टू भी क्या है, एक शब्द है। अरे बोलो है ना, इसका भी कोई ना कोई मतलब होगा। ओके, राम हो गया, ही हो गया, गो हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए एंड, ये भी क्या है, ए एन डी वर्ड, अरे तीन को लेटर से मिलकर बना है, ये भी इसका भी कुछ मीनिंग है, तो यूनिट के लाया। बोला है ना, आप देख पा रहे होगे बच्चों कि राम क्या है, किसी का नाम है। बोलो है ना, किसी का क्या है, नाम है। ही क्या बच्चों, ये नाम नहीं है, लेकिन कोई पर्सन के लिए यूज करते हैं, बिना नाम है उसको ही बोल देंगे। यानी कि ये क्या हो गया, अगर आप 825 पढ़े होंगे तो ये प्रोनाउन है। अरे बोलो यार हाँ या ना। ये क्या हो गया, अच्छा आप, ओहो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया बच्चों, क्या हो गया, वर्ब हो गया। अरे बोलो हाँ या ना, इसको वर्ब में वर्ब पढ़ते हैं। ये फास्ट, ये क्या हो गया बच्चों, एडवर्ब हो गया। नहीं समझ में आया, देखो गो मतलब जाना, तेज जाना, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। बात करेंगे इसके बारे में, तो ये टू क्या है बच्चों, प्रेपोजिशन है। अरे बोलो यार, एंड क्या है, कंजंक्शन है। बोलो, जैसे मान लो किसी को देखे और मुंह से निकल गया वाओ, ये क्या है बच्चों, इंटरजेक्शन है। बात समझ में आ रहा कि ना आ रहा है। या फिर अगर हम मान लो किसी को अगर हम बोल दिए है ना गुड, जैसे यहां पर लिखे गुड, ये क्या हो गया बच्चों, ये एडजेक्टिव हो गया। तो आप समझ रहे हो हम, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो वर्ड है वो क्या कर रहा है, एक मीनिंग तैयार कर रहा है, एक यूनिट, एक शब्द बना रहा है। और यही यूनिट देखो क्या क्या हो सकता है, सब ये यूनिट क्या क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो यही यूनिट की वजह से बच्चों क्या निकल के आता है हमारे सामने, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या निकल के आता है बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच। बोलो यार हाँ या ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसका क्या मतलब है, स्पीच का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप कुछ बोलते हो, राइट, जब आप कुछ बोलते हो, जब कुछ बोलते हो तो उसमें जो बोल रहे हैं उसमें कौन कौन सा पार्ट है, कौन कौन सा अंग है, क्या उसमें नाउन है, क्या उसमें प्रोनाउन है, क्या उसमें एडजेक्टिव है, क्या उसमें वर्ब है, क्या एडवर्ब है, क्या प्रेपोजिशन है, क्या कंजंक्शन है, क्या इंटरजेक्शन है, क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं,
छोड़ो, राम इज माई ब्रदर। मैंने एक सेंटेंस, एक स्पीच मैंने कहा, मैंने एक वाक्य बोला। अब इसका क्या मतलब है, 825 मैंने एक स्पीच में कुछ लिखा, एक सेंटेंस लिखा। इस सेंटेंस में कौन कौन सा पार्ट है, ये राम क्या है, इज क्या है, माई क्या है, ब्रदर क्या है, है ना, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। यानी कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं उसमें कौन कौन सा हिस्सा है, कौन कौन सा पार्ट है, उस पार्ट का नाम क्या है, क्या वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो राम क्या है बच्चों, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है, माई क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रदर क्या है, नाउन है। बोलो यार, हाँ या ना। यानी कि हमको ये समझ में आया, वर्ड का डिफिनेशन से हमें क्या निकल के आया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं बच्चों, 8। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये क्या हो गया, 8वां। 8 होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। कितने होते हैं बच्चों, 8 होता है। बोलो हाँ ना। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहाँ से निकल के आया, ये समझ में आया। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, सर पार्ट्स ऑफ स्पीच अचानक से कहाँ से आ जाता है। बच्चों अचानक से नहीं आता है, ये जो वर्ड पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड ही तो है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म दे रहा है। ये क्या है, ये वर्ड ही तो है, ये वर्ड ही तो है, वर्ड है, वर्ड है। अरे बोलो हाँ ना। तो एक वर्ड हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ भी हो सकता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से करें बच्चों। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, राइट। तो आप इसको 1.5 है ना एक्स में आप देखोगे। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं, इसको मिटाऊं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं, इस पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हमको ये पता चल गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो सबके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना, इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का लेक्चर, राइट। पहला में क्या है बच्चों, नाउन। अब हम ये आपको खुद पता होगा कि यार नाउन क्या है। नाउन क्या होता है बच्चों, जो नाम को बताता है, ऐसा चीज जो रिलेट करता हो नाम से, जिसको नेमिंग वर्ड बोल देते हैं बच्चों। बचपन में पढ़े नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग, ठीक है, वो सब भी ठीक ठाक है, बट वो कम्प्लीटली सही नहीं है। तो नाउन क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी नाम को। दूसरा नंबर में क्या है बच्चों, प्रोनाउन। क्या है बच्चों, प्रोनाउन। रिपीट करना बहुत जरूरी है बच्चों, रिपीटेशन इज द मदर ऑफ योर मेमोरी। बस में आए, जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें जो है वो दिमाग में बैठेगा। द मोर यू रिपीट द मोर यू लर्न, राइट। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है बच्चों, ये जो नाम लिखे हैं, बार बार नाम लिखते हैं, उस नाम को अवॉइड करने के लिए कुछ अलग चीज़ें यूज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। यानी कि ये रिप्लेस करता है, क्या रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस अ नाउन। किसी भी नाउन को वो रिप्लेस कर सकता है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा कि राम इज अ स्टूडेंट। राम क्या है बच्चों, एक स्टूडेंट है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, राम इज, है ना, वेरी इंटेलिजेंट, राइट, बहुत ज़्यादा वो तेज है। तो बच्चों राम विद्यार्थी है, राम बहुत तेज है, तो ये राम राम क्यों लिखना बार बार। तो इसी नाउन को रिपीटेशन नहीं, मतलब नाउन का रिपीट जो हो रहा है ना, तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग जिस वर्ड का यूज़ करते हैं बच्चों, वो वर्ड को ही क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में हर एक चीज आएगा। तीसरा में क्या हो सकता है बच्चों, ध्यान समझो, तीसरा में क्या है, ओके, एडजेक्टिव। क्या है बच्चों, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं बच्चों, इसमें डी साइलेंट होता है, एडजेक्टिव, ओके। एडजेक्टिव क्या है, ये तारीफ करता है, क्या करता है बच्चों, तारीफ। जैसे आप लोग बहुत सुंदर हो, आप लोग कितना स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हो, बोले हाँ है ना, तो ये क्या है, आपका तारीफ हो गया। भले आप नहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपके बारे में कोई अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, तो आप क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो या फिर दुखी हो जाते हो। तो वो जो एक्सटर्नल बातें आपके बारे में बताया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई, है ना, अ नाउन या फिर प्रोनाउन बच्चों।
नाउन या प्रोनाउन PRONOUN नाउन और प्रोनाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। बच्चों ये लगभग 30 प्लस है ना, 30 मिनट प्लस होने वाला है, आप प्लीज़ ध्यान से देखेंगे धीरे धीरे दम, आप कोई बात नहीं, आप दो दिन में देखो, 15-15 मिनट करके देखो, लेकिन पूरा देखना, यकीन मानो पूरा समझ में आएगा। एडजेक्टिव समझ में आ गया, ओके बच्चों नेक्स्ट क्या है, अरे यार एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, किसी भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बोल देना। जैसे तुम यहाँ पर क्या है, राम इज अ स्टूडेंट, राइट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये स्टूडेंट इसका क्या है, नाउन ही है, लेकिन बच्चों वही लड़का क्या है, तेज है, अरे बोलो हाँ है ना, तो ये जो तेज है वो क्या किया, इस राम का क्वालिफाई कर दिया, एक्स्ट्रा बता दिया ना कि भाई साहब ये तेज भी है, ओके। फोर नंबर क्या होगा, वर्ब, क्या होगा बच्चों, वर्ब, वर्ब क्या होता है, ये आपको वर्ब एक्शन को बताता है बच्चों। हाँ बहुत सारे बच्चों का ये दिमाग में रहता है कि सर ये खाली एक्शन बताता है, नहीं ये स्टेट को भी बताता है प्लस एक्शन को भी बताता है, कोई काम हो रहा है या कोई किसी का स्थिति भी बताता है बच्चों। जैसे राम इज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है, यह अवस्था है, एक ये स्टेट बता रहा है ना। लेकिन अगर हम ऐसे में लिख दूँ राम गोज टू मार्केट या स्कूल, तो ये गोज क्या हो गया बच्चों, एक्शन, बात समझ आया, ओके। फाइव नंबर में क्या है बच्चों, है ना, एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या होता है, सुनो, एडवर्ब होता है किसी भी वर्ब के बारे में कुछ बताना, वो वर्ब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर देखो, या ये क्वालिफाई करता है बच्चों, QUALIFY क्वालिफाई करता है, या फिर वो एडजेक्टिव को या फिर वो एडवर्ब को, अरे बोलो एडवर्ब को भी कर सकता है या फिर वो वर्ब को भी क्या कर सकता है बच्चों, क्वालिफाई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो तेज है, ये तो हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव, इसी एडजेक्टिव का वो क्या कर दिया और भी बढ़ा चढ़ा कर, अरे तेज नहीं बहुत तेज है, तो ये वेरी क्या हो गया एडवर्ब, बस में। जैसे ड्राइव डो है ना, ड्राइव स्लोली है ना, तो ड्राइव क्या है मतलब गाड़ी चलाना, स्लोली मतलब धीरे धीरे, तो ये चलाने की ही तो बात कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो भी क्या हो गया एडवर्ब, बात समझ में आ रहा है, बोलो यस सर। नेक्स्ट में सिक्स नंबर में क्या आएगा, प्रेपोजिशन, अरे बोलो यार प्रेपोजिशन क्या करता है बच्चों, प्रेपोजिशन क्या करता है, ये पोजिशन बताता है किसी भी नाउन और प्रोनाउन का, प्रेपोजिशन राइट, क्या करता है, प्रीपोजिशन जो है वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है बच्चों, एक रिश्ता एस्टेब्लिश करता है, उसके बारे में संबंध बताता है ना, एक दूसरे को क्या करता है वो पोजिशन को बताता है, बोला है ना, ये क्या करता है बच्चों, ये बताता है सो पोजिशन किसका बच्चों, नाउन या फिर प्रोनाउन का, बोला है ना, ओके। अब क्या बच गया, सेवन नंबर में क्या आएगा, जल्दी से बताओ, एंड यानी कि कंजंक्शन, बोलो यार कंजंक्शन है ना, कंजंक्शन क्या करेगा बच्चों, ये कनेक्टिंग वर्ड होता है, कनेक्टिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चों जोड़ना, एक दूसरे को जोड़ना, कनेक्ट करना। जैसे घर में क्या होता है, पाइप अगर फट जाता है तो बीच में कनेक्टर होता है ना, जो इधर उधर पाइप को जोड़ देता है, बिल्कुल ये क्या करता है, दो शब्द को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए कनेक्टिंग वर्ड बोल सकते हैं या फिर ज्वाइनिंग करता है ये, बोलो यार कोई दिक्कत। एक लास्ट बचा है बच्चों, आखिरी इस क्लास है ना, इस सेशन का क्या नाम है, इंटरजेक्शन क्या बच्चों, इंटरजेक्शन है ना, इंटरजेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यार आप मार्केट में जा रहे हो, सुंदर सी कन्या जा रही है आपके आगे आगे, जैसे वो पलट के आपको देखती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है, अरे वाओ क्या सुंदर है, बोलो है ना, मजाक था। तो ये अचानक से जो सडन इमोशन
सडन फीलिंग जो अंदर से बाहर निकलता है ना, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो वर्ड ही क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन। जैसे एग्जांपल वाओ है ना, ओ है ना, ओ माय गॉड, ऐसा। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों एक बार ध्यान से। आप एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर कर दो यार उन सारे बच्चों को जिसको ग्रामर से डर लगता है। ये बेसिक था, इसमें किसी भी तरह का एडवांस नहीं है। यहाँ से ये जड़, ये फाउंडेशन, ये क्या हो रहा है बेसिकली, हमारा जो है ना जो बुनियाद है वो स्ट्रांग हो रहा है। एक बार बुनियाद स्ट्रांग हो गया ना बच्चों, फिर बिल्डिंग जितना चाहे उतना इमारत का बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और स्ट्रांग रहेगा। तो बुनियाद जरूरी है, राइट। इसको देख लो, हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कर देना, और इस वीडियो को लाइक करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हो। इसका अगला सीक्वेंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग, यानी कि नेक्स्ट डे में हम लोग अपलोड करेंगे और मिल करके बात करेंगे, राइट। तब तक के लिए आप बच्चों इसको अच्छा से नोट्स बना लेना, राइट। और आजू बाजू अपने साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप आजू बाजू साफ नहीं रखेंगे तो इन्वायरमेंट साफ नहीं होगा, तो ये आप ही पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, यानी कि आप बीमार हो सकते हो, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर दोस्तों, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लिख स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो बाय बाय।